गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई विश आप लोग घर पे हेल्दी रहेंगे, सेफ रहिए। आज हमारा जो यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ही यूजफुल होने वाला मेथड है। इसमें भी हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि जो न्यूटन रैप्सन मेथड है, इसके जो प्रीवियस दो मेथड पहले बन चुके हैं बाइसेक्शन और रेगुलर फालसी, उन्हीं को थोड़ा सा ओवरकम करके उसने अपने मेथड में थोड़ा सा इंटरचेंज किया और न्यूटन ने जो मेथड बनाया, दिस इज द बेस्ट मेथड टू अदर कंपेयर बाइसेक्शन या रेगुलर फालसी। तो इसमें भी हम दो टाइप की इक्वेशन यूज करेंगे। एक होगी हमारी पॉलिनोमियल मतलब एलजेब्रिक इक्वेशन और दूसरी होगी हमारी ट्रांजेंडर इक्वेशन। तो आज आप देखिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपको ये जो इक्वेशन दी है इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, इसको करना है हमें न्यूटन मेथड से। अब दूसरी चीज, हमको सबसे पहले बस ये ध्यान रखना है कि हमको जो भी इक्वेशन दी जा रही है उसका टाइप हमें पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो हमें इक्वेशन गिवन है दिस इज एलजेब्रिक, मतलब यहाँ पर कहीं एक्स के अलावा, एलजेब्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहाँ पर सिर्फ आपके वेरिएबल्स यूज किए गए, उसके अलावा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी इक्वेशन सिंपल है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है और एलजेब्रिक टाइप की है। इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम सिंपल मोड में करेंगे कैलसी में। तो मेथड क्या होता है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन उतारेंगे, किसके इक्वल लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसको किसके इक्वल लेट किया हमने, एफ ऑफ एक्स के, और इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस मेथड में पढ़ चुके हैं कि हमको इस इक्वेशन के वो दो इंटरवल पता करने हैं जिनके बीच में हमारी इक्वेशन लाइज करेगी, मतलब द रियल रूट लाइज बिटवीन बोथ टू पॉइंट्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट किया, फिर उसके अंदर हम पुटिंग करेंगे। सबसे पहले पुटिंग क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इसमें इक्वेशन नंबर 1 में बोथ साइड, तो किसका वैल्यू मिलेगा हमको, एफ ऑफ 0 का, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 का प्लस 1, मतलब जैसे हमने 0 रखा हमारा एफ ऑफ 0 आया पॉजिटिव, ठीक है। अगेन पुट करेंगे हम, अगेन पुट किया हमने x की जगह पे 1 इक्वेशन नंबर 1 में, और किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ 1 का, तो वो कितना आया, नेगेटिव। मतलब रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर हमको अपोजिट साइन के फंक्शन अल्टरनेटिव मिल रहे हैं तो हमारी गिवन इक्वेशन उन दो पॉइंट के बीच में लाइज करेगी। तो मतलब कि जैसे मैंने 0 रखा फंक्शन आया पॉजिटिव, जैसे 1 रखा फंक्शन आया नेगेटिव, मतलब इसके आगे हमको पुटिंग नहीं करनी क्योंकि हमको वो दो फंक्शन पता चल गए हैं जिनके दो इंटरवल हमारी इक्वेशन के रियल रूट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, clearly f of 0 and f of 1 are opposite sign function, मतलब हमारे इस इक्वेशन के ये दो क्या हो गए आपके, 0 और 1 इंटरवल हो गए। अब आपको 0 और 1 के बीच में ही रियल रूट ढूंढना है कि जिसके हमारा रियल रूट हमको मिल जाए। तो आपको पता है कि ये काम हमने हर मेथड में कॉमन रखा। अब हम क्या यूज करेंगे, अपना न्यूटन रैप्सन फार्मूला, बट उससे पहले न्यूटन के फार्मूला में हमें सबसे पहले इनिशियल वैल्यू पता करनी पड़ती है। इनिशियल मतलब हमारी सीरीज की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो x0 कहलाता है इनिशियल वैल्यू, फार्मूला होता है x0 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाय 2, मतलब a और b क्या हो जाएंगे, जो आपने ये इंटरवल पता किए हैं, a और b क्या हो गए, a हो गया आपका 0, b हो गया आपका 1। तो जैसे आप 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 का आधा होता है हाफ, हाफ को हम कैसे लिखते हैं, 0.5। तो ये हो गया हमारा x0 की वैल्यू हमने निकाल ली। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही निकालने हैं, जो भी आपके इंटरवल आएंगे उनको ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, x0। अब इसके बाद हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड होगा अप्लाई। क्या होता है, नाउ यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी के अंदर से अपन इंटरवल निकालेंगे, इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय, क्या है आपका, डिवाइड बाय एफ डैश एक्स एन, ठीक है। ये क्या है आपका, डैश का मतलब क्या होता है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको अपन को डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स एन। अब हमको इसके अंदर पुटिंग करनी है, तो पुटिंग करने के लिए हमको दिख रहा है कि दो चीजें हमको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रही है, डिफरेंट नहीं है। फंक्शन ऑफ एक्स एन का मतलब हुआ जो आपकी गिवन इक्वेशन थी वहां पर आपको एक्स की जगह पर सिर्फ एक्स एन रखना, तो ये हमको चेंज नहीं करना, ठीक है। अब डिवाइड वाली टर्म्स पे आ जाओ, एफ डैश एक्स एन का मतलब क्या हुआ, जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको, जब एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशियल, यहाँ पर जितने डैश लगेंगे उतनी बार आपको उस इक्वेशन को डिफरेंट
डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स एन रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमको गिवन इक्वेशन को एक बार फर्स्ट टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। हमने सबसे पहले किसका फाइंड वैल्यू फाइंड करी, फंक्शन ऑफ एक्स एन। सेम उसी इक्वेशन को यूज करेंगे, सिर्फ एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स एन। अब हमें नीचे वाली टर्म्स को फाइंड आउट करना है एफ डैश। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को उतारेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर वन हमारी क्या दिख रही है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन। जब मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस थ्री एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, और प्लस वन का हो जाएगा जीरो, क्योंकि वन है कॉन्स्टेंट। तो हमारा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे अपने फॉर्मूले में पुट करना है, तो पुट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा x की जगह पे एक्स एन। ये न्यूटन रैफसन फॉर्मूले की डिमांड होती है, आपको ये पुटिंग करनी ही पड़ती है। तो यह क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स से बन जाएगा एफ डैश एक्स एन इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर एन माइनस थ्री। ये मैंने अपनी पुटिंग करके, जैसे मैंने ये पुटिंग तैयार कर ली, मेरी जो जनरल फॉर्मूला था उसके अंदर अपन रखेंगे राइट हैंड साइड में एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन, फिर माइनस उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स एन की वैल्यू रखेंगे और डिवाइड बाय एफ डैश एक्स एन की वैल्यू। जैसी वैल्यू रखी आप देखें आपको कहीं ना कहीं एलसीएम की टर्म्स दिखाई दे रही, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम लेंगे हम फिर उसके बाद। तो एलसीएम क्या लेंगे, नीचे का कॉमन लिखा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो जैसे आप एलसीएम ले लोगे आपको एक इक्वेशन दिखाई देगी और उस इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करोगे, आप देखिए यहाँ पर काफी टर्म्स हमारी कट रही है, कैसे कट रही है, यहाँ पर चेक करके देखिए, जो कॉमन वैल्यू है हट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में जो आंसर बचेगा वो आएगा टू एक्स क्यूब एन माइनस वन डिवाइड बाय थ्री एक्स स्क्वायर एन माइनस थ्री। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसी के अंदर मुझे एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री रख के इसके अंदर से न्यूटन रैफसन मेथड के रिमेनिंग इटरेशन फाइंड आउट करने हैं, तो उसको अभी अपन करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद करेंगे टू पार्ट में डालेंगे। अरे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ चलिए इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करेंगे, आपकी जो इक्वेशन नंबर वन है ठीक है, उसमें जो थ्री दिखाई दे रही है सॉरी, उसमें अपन क्या पुट करेंगे, आप देखिए मैं यहाँ पुट कर देंगे इसके आगे, पुट एन इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थर्ड, और क्या निकालेंगे फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्या फाइंड करना है मुझे, जो मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड बनाई है वहां पर मैं जैसे इक्वेशन नंबर थर्ड में एन की जगह पे जीरो रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मुझे फाइंड आउट होगा और वो है आपका, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जीरो माइनस वन डिवाइड बाय थ्री एक्स स्क्वायर जीरो माइनस थ्री। अब मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है, मुझे यहाँ पर x की जगह पे x जीरो की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा आपका टू इंटू x जीरो निकाला था 0.5 का होल क्यूब माइनस वन डिवाइड बाय थ्री इंटू x जीरो की जगह पे 0.5 का होल स्क्वायर माइनस थ्री। अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन को कैलसी से कैलकुलेट करना है, x की जगह पे x जीरो आ गया और x जीरो हम पहले निकाल चुके हैं, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि x वन का आंसर हमारा कितना आया बाय यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड, कितना आएगा जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप कैलसी से करेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेट 0.4 टाइम्स 3 आएगा। ये किसका आंसर आ गया हमारा, x1 का, मतलब अभी हमने न्यूटन रैफसन मेथड का यूज करके x1 निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसके बाद पहला इक्वेशन आ गया, अब हमें फिर से इक्वेशन नंबर थर्ड में अभी हमने n की जगह पे जीरो रखा तो हमको x1 मिला, अब हम n की जगह पे क्या रखेंगे, अगेन आपको पुट करना है n की जगह पे 1 इन इक्वेशन थर्ड, और क्या फाइंड करेंगे फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मतलब हमको सेकेंड इटरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड में एन की जगह पे जीरो वन रखोगे दोनों साइड, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वैल्यू फाइंड होगी हमारी एक्स टू की। आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स टू
इक्वल टू 2x³ 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय 3x² 1 माइनस का 1 ये आ जाएगा। जैसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड में n की जगह पे 1 रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा x2 इज इक्वल टू 2x³ 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3x² 1 माइनस 1। अब आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, x1 का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका x2 का कैलकुलेशन 2 इंटू x³ मतलब 0.4 टाइम 3 का होल क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू x1 का आंसर हो जाएगा आपका 0.4 टाइम 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको भी आप कैलकुलेट करके बताइए कि आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 कितना आएगा, वो आएगा 0.34721 कुछ समथिंग इतना आने वाला है। आप कैसे से कर लीजिएगा 0.34721। मैक्सिमम हम कोशिश ये करेंगे कि पॉइंट के बाद के 5 डेसिमल लेके चलें, क्योंकि अगर आपको 3 डेसिमल तक इक्वल करना है तो 5 लेना पड़ता है, ये रूल होता है। तो आपका x2 आ गया 0.34721। अभी हमको इटरेशन रियल रूट नहीं मिल रहा है, अभी हमको इसको थोड़ा सा एक बार और कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अगेन हम क्या पुट करेंगे, हमको निकालना है x3। तो अभी हमने 1 रखा तो x2 निकाला, अब हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अगेन पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। क्या फाइंड करेंगे फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, किसको फाइंड करेंगे अपन फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन मतलब x3 का फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या बनेगा x3 का फॉर्मूला आपका 2x²³ माइनस 1 डिवाइड बाय 3x²² माइनस 1 मतलब x की जगह पे अब क्या आ जाएगा आपका x2। x2 की वैल्यू आपने ये निकाली है, इसको रख दीजिए आप, तो x3 का आंसर आ जाएगा 2 इंटू 0.34721 का होल क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.34721 का होल स्क्वायर माइनस 1। जैसे आप इसको कैसे से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका x3 का आंसर आएगा वो इतना आएगा 0.34721, मतलब कि x2 और x3 का आंसर पॉइंट के बाद के 4 से 5 डेसिमल तक मैच हो गया। इसी को कहते हैं रियल रूट। रियल रूट का मतलब यही होता है कि जब आपके दो इटरेशन के आंसर पॉइंट के बाद कम से कम 2 या 3 डेसिमल तक मैच हो, हमारे इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे 5 डाटा मैच कर गया। तो लास्ट में अपन कैसे एंड करेंगे, नाउ एंड करने का तरीका x2 इज इक्वल टू x3, जितने नंबर मैच करते हैं उतना हम उतारते हैं। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में 0.34721 है। सो द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, सो द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन स्मॉल x इज इक्वल टू 0.34721। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी को बोला जाता है कि रियल रूट आपको ऐसे ही निकालना है, कि मतलब कि एक सिचुएशन पे आपके दो इटरेशन का आंसर मैच हो जाता है, और ये मैच होता है अगर आप सही से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड में 2 से 3 इंटरवल में हमारा डाटा हो जाता है मैच। तो यही था आपका रियल रूट निकालने का न्यूटन रैप्सन मेथड का बहुत ही IMP क्वेश्चन। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको इसी मेथड से करने हैं। बस ये ध्यान रखना जब एल्जेब्रिक इक्वेशन आए तब आपको सिंपल मोड में रखना है अपने कैलसी को, और जब ट्रांजेंडर या टिग्नोमेट्रिक वाली इक्वेशन आती है तब आपको अपने कैलसी को रेडियल मोड में रखना है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इसको आप घर पे अच्छे से करके देखिएगा और कैलसी का यूज करिएगा। जो भी आपकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है उसको आप डायरेक्ट नहीं उतारेंगे अपनी कॉपी में, जितना भी मैंने पॉइंट का कैलकुलेशन किया वो आप अपने कैलसी से खुद करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।